हाय गाइस, वेलकम बैक। सो यार, जहां एक तरफ इतना शोर मच रहा था एनिमल का, एनिमल के बारे में, इसके कलेक्शंस के बारे में, वही दूसरी तरफ ये फिल्म जिसका नाम है सैम बहादुर, ये भी साथ में रिलीज हुई है कल। और डिस्पाइट द स्टार कास्ट एंड द डायरेक्शन, इतना ज्यादा शोर क्यों नहीं मच रहा है इस फिल्म के बारे में, जबकि इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है एक ऐसा पर्सनालिटी, रियल लाइफ पर्सनालिटी जो है उनके ऊपर ये फिल्म आधारित है। विकी कौशल की, कह सकते हैं रिव्यूज के हिसाब से, विकी कौशल की वन ऑफ द बेस्टेस्ट मूवीज मानी जा रही है सैम बहादुर। और एक फौजी की कहानी है, एक हमारे देश के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया, उनके हीरोइज्म की कहानी है। मुझे इस वीडियो में बात करनी है सैम बहादुर के कलेक्शन की, और मुझे ये बोलना है आप लोगों से कि अगर आपने एनिमल देख लिया ना, एक चांस हमको, मुझे लगता है सैम बहादुर को भी देना चाहिए। मैं जरूर देखने वाली हूँ आज। कल मुझे एनिमल का बहुत क्रेज था, लेकिन अब वो फिल्म देख लिया मैंने, तो अब मुझे नेक्स्ट, मतलब लाइक ऑफ कोर्स सेकंड प्रेफरेंस जो है, सेकंड जो मुझे फिल्म है क्लैश में आई है, उसका भी मुझे देखकर रिव्यू आपको देना है। सो आई थिंक दिस मूवी ऑल्सो डिजर्व अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो आज सेकेंड डे पर क्या कलेक्शन जो है वो आती हुई लग रही है डे नंबर 1 की, और आज हमारे को किस तरीके के ट्रेंड देखने को मिलेंगे ऑन सेकेंड डे ऑफ सैम बहादुर, सब कुछ बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो सब्सक्राइब। बात करेंगे हम लोग सबसे पहले द पर्सनैलिटी सैम मानेकशॉ के बारे में, जिनके बारे में मुझे लगता है प्रमोशनल इवेंट्स में और बतलाना चाहिए था टीम को, ताकि और लोगों में ना एक तरीके से एक्साइटमेंट होता। अभी क्या है फैक्टर सबसे बड़ा, कि जो उनका कैरेक्टर है सब लोग जानते हैं, बहुत उन्होंने वॉर्स लड़ी और देश के लिए बहुत सैक्रिफाइस किया। मगर अगर मैं आपको रियल लाइफ फौजियों की कहानियों के बारे में बताऊं, तो जैसे विक्रम बत्रा की कहानी थी, वो शेरशाह वाली जो कहानी, उनकी बारे में सब जानते थे, बच्चा बच्चा जानता था, इसलिए वो फिल्म को एक अलग से प्रमोशन मिल गया, एक अलग से लोगों को पता था, लोग एक्साइटेड थे। अब यहाँ पर जरूर नाम हमको सबको पता है सैम मानेकशॉ का, लेकिन उनके बारे में और थोड़ी और जानकारी जो है मुझे लगता है टीम को जरूर देनी चाहिए थी, ताकि एक क्यूरियोसिटी बढ़ती। बट स्टिल नेवर माइंड, जो भी रिव्यूज आ रहे हैं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट से रिव्यूज आ रहे हैं, इसका तो प्रीमियर शो भी हुआ था, जो भी रिव्यूज आ रहे हैं दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, और सबको बहुत बहुत पसंद आई है ये फिल्म। थिएटर्स में आप देख सकते हो, आपको वही वाली पेट्रियटिज्म वाली जो फीलिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स लुक एट विक्की कौशल्स एक्टिंग कैलिबर, वो तो उस पर तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि वो किस तरीके की एक्टिंग करते हैं। चाहे इससे पहले कोई भी उन्होंने ऐसे वाले किरदार निभाए हो जिनमें देशभक्ति वाले कैरेक्टर्स हैं, उरी बहुत, मतलब उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म मेरे ख्याल से उरी है, उसके बाद उधम सिंह एक और बड़ी फिल्म, तो सीरियस कैरेक्टर्स और ऐसे कैरेक्टर्स में ही जस्ट नेल्स इट। अब जहां तक बात होती है कलेक्शंस की, देखो कल एडवांस बुकिंग जो थी वो करीब करीब कह सकते हो 3 करोड़ के आसपास की, या 2.5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग थी, ज्यादा एडवांस बुकिंग नहीं थी। कलेक्शन लेकिन डिसेंट किया है, कलेक्शन इज 5.5 करोड़। डे 1 की कलेक्शन ऑफ सैम बहादुर इज 5.5 करोड़। हाँ ऑफ कोर्स कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो फिर कंपैरिजन में फिर बहुत सी चीजें आ जाती हैं, इसलिए हम कंपैरिजन नहीं करेंगे यहाँ पे एनिमल से, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि चलो डिसेंट नंबर रहा। अब आज के दिन मैं ये चाहती हूँ कि ऑडियंस जो है इस फिल्म को भी एक चांस दे, इस फिल्म को भी जाकर के देखे। तो जो भी सिंगल स्क्रीन में जो लोग भी जा सकते हैं, या जो लोग सेकेंड मूवी देखना अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दिस इज अ यूए सर्टिफिकेट मूवी, सो यू कैन वॉच इट विद योर फैमिली, एंड आई थिंक मोस्टली क्लीन मूवी है। सो जहां एक तरफ हमने बहुत ज्यादा ब्लड शेड गोर एंड एवरीथिंग जब देखा है, उसके बाद एक रिफ्रेशिंग चेंज लगेगा मुझे लगता है सैम बहादुर में, मैं जरूर जाऊंगी आज देखने। बट आई वुड से कि आज की जो कलेक्शन है, आज है सैटरडे, और आज की जो कलेक्शन है मैं मानती हूँ अगर लोग वर्ड ऑफ माउथ पर गए और रिव्यूज पर गए, तो आज की कलेक्शन करीब करीब 7 करोड़ के आसपास की रह सकती है, 7 से 8 करोड़ की मेरी प्रिडिक्शन है। एडवांस बुकिंग मैंने चेक किया, अभी तो मुझे कहीं पर नजर नहीं आ रही है, एक दो साइट्स ऐसी हैं जिनको मैं कंफर्म, मतलब जिनका नंबर शायद नहीं मैं उतना एक्सेप्ट कर सकती, बट हाँ फिलहाल की जो मेरी प्रिडिक्शन है वो 7 करोड़ के आसपास की रहेगी। लुकिंग एट सैटरडे वाला फैक्टर, छुट्टी का दिन है, लोग थोड़ा और मूवी को, ऐसी मूवी देखने जाना और पसंद करेंगे जो अपने फैमिली के साथ देख पाए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ देख पाए। सो मुझे लगता है सैम बहादुर एक बहुत बढ़िया चॉइस है। अगर आप जाने वाले हो या जा चुके हो सैम बहादुर के बारे में, मुझसे जरूर कमेंट सेक्शन में बात करना। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।